नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर। वेक्टर की पहली एक्सरसाइज, वेक्टर की जो फंडामेंटल है वो हम लोगों ने पढ़े थे, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, इससे पहले वीडियो में। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, और देखिएगा कि किस ढंग से हम उसको आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, इसके बाद आपका आएगा ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी का मतलब समझते हो? देखिएगा, जैसे ये एक ट्रायंगल, ये ए, ये बी, ये सी, ये ए बी को वेक्टर ए से, बी सी को वेक्टर बी से आपने डिनोट किया। ऑब्वियस है, ए सी जो है ट्रायंगल लॉ के अलोंग ये होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। मैंने मॉड इन पे लगाने का मतलब समझते हो? अगर मॉड हमने लगा दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाता, और मॉड नहीं लगाते हैं हम तो वो वेक्टर क्वांटिटी कही जाता। स्केलर और वेक्टर दो चीजें हम पढ़ रहे हैं कि नहीं? अगर हमने उसके ऊपर मॉड लगा दिया है तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, और अगर हमने उस पर मॉड नहीं लगाया है तो वो वेक्टर क्वांटिटी। ऑब्वियस है, मुझे तो लेंथ चाहिए इनकी, ए बी बी सी और ए सी की। तो आप खुद देखिए, मुझे ट्रायंगल लॉ के अलोंग अगर ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ए सी जो है वो वेक्टर ए प्लस सी के अकॉर्डिंगली होगा कि नहीं होगा? तो आपने ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ी होगी, द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी कि द सम ऑफ टू साइड, द सम ऑफ ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इस, तीसरी साइड से बड़ी होगी कि नहीं होगी? इसको हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पे कि ठीक है साहब, बट इक्वल का साइन को लगा रखा है यहाँ पे, ये तो ग्रेटर होना चाहिए स्ट्रिक्टली। बात बिल्कुल सही है। अब बच्चों यहीं पे आइए, अगर यहीं पे इस सी को आप यहां ले आते हो, दिस ए, ये बी, और ये ए प्लस बी होगी कि नहीं टोटल? दिस, जल्दी बोलो, अगर पॉइंट आपका सी ए बी की ही लाइन में आ जाता है, यानी कि पॉइंट ए बी सी तीनों कोलिनियर हो जाते हैं, कोलिनियर का मतलब जो ए की लाइन में हो, बोलो जल्दी से, जो ए की लाइन में हो, अगर ए बी सी पॉइंट जो है कोलिनियर हो जाते हैं तो क्या बनेगा सीन? ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, हाँ या ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? तो भैया इन दोनों को मिला के, पहली वाली क्या थी, जब ट्रायंगल के अलोंग थे पॉइंट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन थी ए प्लस बी, ये जो है ए प्लस बी लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी थी, यहाँ इक्वल का साइन नहीं था। ये तब है जब पॉइंट ए बी सी किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये कब है जब ए बी सी तीनों ए की लाइन में लाई कर रहे हैं। तो इन दोनों को मिलाकर एक थर्ड इनइक्वालिटी ये बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? ठीक, एज यूजुअल यहाँ प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप चाहेंगे भी तो एनसीईआरटी में गिवन है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है साहब, अब यहाँ देखिए, जैसे भी बात हुई कि द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये बात बिल्कुल सही है। ऐसे ही डिफरेंस होता, द डिफरेंस ऑफ टू साइड, ये देखिए दो साइड का डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, जैसे सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है, ऐसे डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड होता है। बात समझ में आई या नहीं आई? इस ढंग से बच्चों हम ये कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा तीसरी जो है इक्वालिटी क्या हो गई है, ए माइनस बी ग्रेटर देन मॉड ए माइनस मॉड बी, मैंने इसको प्रूव करके दिखाया। ये जैसे वेक्टर ए है, वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं? और इसी को क्या लिख सकते हैं हम, जल्दी बोलो, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, दिस इनइक्वालिटी वन से, अरे इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लो, इसे बी मान लो, और इसको उठा के खींच लो इधर इसकी तरफ, ये आगे के नहीं आगे, बोलो बच्चों, तो ये हमारी क्या कही जाएगी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब इसके बाद आएंगे हम सेक्शन फॉर्मूला।
सेक्शन फॉर्मूला आपने बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, अगर ध्यान हो तो कोई दो पॉइंट है एक्स वन बाई वन, दूसरा पॉइंट है बी एक्स टू बाई टू, अगर उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कोई पॉइंट बी एम इंटू एन के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स वाई लिए थे हमने, तो एक्स इक्वल टू क्या था एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन ओवर एम प्लस एन, ऐसे वाई इक्वल टू एम इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन ओवर एम प्लस एन, सेम ऐसे ही यहाँ पे हमें सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है। देखिए ये पॉइंट ओ है, रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन ले लिया, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, ये वेक्टर ओ ए ए हो गया, वेक्टर ओ बी मैंने बी ले लिया, और वेक्टर ओ बी को मैंने क्या ले लिया बच्चों आर ले लिया, तो यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये पॉइंट ए के जो सफिक्स है वो ए है, पी का आर है और बी का क्या है बी, सिंपल ध्यान से देखिए इधर, यस अगर ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट ए है, ये वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करा है, तो वेक्टर ओ ए को मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा कि नहीं, क्या ये कह सकता हूं कि जो वेक्टर ए है उसके जो सफिक्स है उसे हम वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू ओ, अगर ओ ओरिजिन हो, ये तब है जब ओ ओरिजिन, बात क्लियर हो गई कि नहीं, तो आइए इधर, अब ये जो पॉइंट पी है इस ए बी को एम एस टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, तो चलिए साहब देखिए ए पी ओवर बी पी इक्वल टू एम ओवर एन है कि नहीं है, तो देखिए एन इंटू ए पी इज इक्वल टू एन इंटू बी पी, बोलो अब ए पी को के ऊपर मैंने बी पी के ऊपर वेक्टर का साइन लगा दिया यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में, अब ए पी क्या है ओ पी माइनस ओ ए, और इधर BP क्या है OB माइनस OP, जल्दी बोलो, अब OP की जगह R रख दिया, OA की जगह A रख दिया, M OB की जगह B रख दिया, OP की जगह R रख दिया, अंदर मल्टीप्लाई करो NR माइनस NA MB माइनस MR, अब इधर R कॉमन ले लो तो ये बचेगा N और इधर का आ जाएगा M और NA चला गया उधर, क्लियर है बच्चों, चलिए मैं इसे हटा रहा हूं, नोट करिए जल्दी से, क्लिक कर लो इसको, यस यहां से बच्चों आर की वैल्यू क्या आ गई, आर इक्वल टू एम बी एन ए ओवर एन प्लस एन, दिस इज सेक्शन फॉर्मूला, सिंपल दिस इज सेक्शन फॉर्मूला, अगर यहीं पे पॉइंट पी इस ए बी को इंटरनल की बजाय एक्सटर्नल इधर या इधर कहीं डिवाइड करता तो क्या होगा, सिर्फ एन की जगह माइनस एन रख देना, जैसे हमने कोऑर्डिनेट में पढ़ा था, यह है एक्सटर्नल डिवीजन और यह है इंटरनल, एक्सटर्नल डिवीजन एंड इंटरनल डिवीजन, बात क्लियर हो गई, क्या कहेंगे हम बच्चों इसको सेक्शन फॉर्मूला, करिएगा नोट जल्दी से, चलिए बच्चों देखें नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन प्लेन, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन प्लेन, ये कोई प्लेन है, ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, इन प्लेन कह दो या इन टू डी कह दो, ऐसे ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन स्पेस या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन थ्री डी, टू डी का मतलब प्लेन, थ्री डी का मतलब स्पेस, ऐसे समझ सकते हो, हम अभी तक टू डी पढ़ते आ रहे थे, इसके बाद वेक्टर के थ्री डी पढ़ेंगे, तो थ्री डी का मतलब है इन स्पेस और टू डी का मतलब है इन प्लेन, क्लियर, टू डी में आपके दो कंपोनेंट होते हैं आई और जे, थ्री डी में आपके तीन कंपोनेंट होते हैं आई जे के, ठीक है, अब आ जाइए, मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे, कोई पॉइंट पी लिया, इस पी से यहां पे परपेंडिकुलर डाला तो ये वाई हो गया, और ये ऑब्वियस है ये पूरा का पूरा आपका एक्स होगा, तो बच्चों
ओपी क्या होगा, ओपी ओ एन प्लस एम पी, और ओ एन कितना है एक्स आई, और एम पी कितना है वाई जे। ये जो एम पी है ये इस वाई एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है, तो इस एम पी को वाई एक्सिस के पैरेलल है। और कोई दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो आपने पढ़ा होगा वेक्टर ए और बी पैरेलल है, तो हम वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए इस ढंग से लिख देते हैं कि नहीं। अब वो लैम्डा की वैल्यू वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए हम यहाँ एम पी की जगह ओ ये यानी कि बाई एक्सिस एक ढंग से कह सकते हो आप ओ बी कह दो, चलो थोड़ी देर के लिए कि हमने ओ बी ले लिया, ठीक है कि नहीं। तो अब आइए क्या हो गया है सिंपल एक्स आई और वाई जे, और अगर इसका मुझे मॉडुलस लेना है, मॉडुलस का मतलब समझ रहे हो मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर मैग्नीट्यूड लेना, यानी कि आई के आई और जे के कोफिशियंट का स्क्वायर का अंडर। बात बच्चों क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान से देखिए, जैसे कोई यहां कोई भी वेक्टर इस ओपी को मैं आर भी बोल सकता हूं बच्चों, यानी कि R इज इक्वल टू दिस। अगर कोई बच्चों वेक्टर ये है 2i 3j 5k, ध्यान से सुनिएगा, तो देखिए हाँ 2 3 5 R कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर R हियर 2 3 5, यानी कि आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं दे आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, और 2i 3j and 5k आर नोन एज वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। बात ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं। अगर मैं पूरे के पूरे ले लूं 2i 3j 5k तो इनको क्या कहेंगे हम, वेक्टर कंपोनेंट कहेंगे, और अगर सिर्फ 2 3 5 ले रहे हैं तो दैट आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट, ठीक है बच्चों। अब इधर आइए, अब ये 3D फिगर बनाइए, बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है, अभी मैं दिखा भी देता हूं। ये बच्चों मैं हटा रहा हूं इधर वाला, देखो कैसे बनती है 3D फिगर, बहुत सिंपल। ये स्क्वायर बनाया, फिर मिडिल से एक स्क्वायर और बनाया, और इनको सबको मिला दो, दिस ये आपके 3D पिक्चर हो। तो आइए ये है ओ, ओ ए ओ बी ओ सी, और ये बी ये ई और ये एफ और ये पॉइंट पी ले लिया मैंने। अब बच्चों 3D में ध्यान से देखिएगा, यस जैसे 2D में हम लेते हैं, ये देखो 2D में हमने ये लिया x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब 3D पिक्चर दिखानी मुझे, तो 3D का मतलब हमारा ये हो गया सपोज z एक्सिस। अब इसे कैसे खड़ा करके दिखाओगे, हम दिखा तो सकते नहीं, तो फिर क्या करते हैं हम ऐसे केस में, ये x एक्सिस का पॉजिटिव ये नेगेटिव वो सॉरी y एक्सिस, और ये मैं इसको z एक्सिस ले लूं, ये जिसको खड़ा करके दिखाया, ये एंगल 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। अब आप कहोगे साहब देखने में तो नहीं लग रहे 90 डिग्री, तो देखने में नहीं लगेंगे क्योंकि ये ऐसे है। अब अगर ये ऐसे है तो ऑब्वियस सी बात है इसे 3D में मैं खड़ा करके तो दिखा नहीं सकता, लेकिन अब आप मुझे खुद बताइए ये आपका 90 डिग्री हुआ कि नहीं, ये एंगल, और ये भी 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, बोलो ये आपका 90 डिग्री होगा कि नहीं, बिल्कुल हो। इसलिए 3D पिक्चर में हम इस ढंग से लेते हैं। तो मैंने क्या करा बच्चों, अब मैं इसी को अगर देखूं तो मैंने क्या करा, इसको वाई एक्सिस ले लिया, इसको जेड एक्सिस ले लिया, और ये जो लाइन है इसको एक्स एक्सिस ले लिया, यानी कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक। आ जाइए वापस, ओ ए ओ बी ओ सी को मैंने
यूनिट वेक्टर आई जे के से डिनोट किया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। अब मुझे पॉइंट ओ पी चाहिए। अगर पी के कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वाई जेड लिए हैं तो भैया देखिए ओ पी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ पी ओ डी प्लस डी पी, ओ डी ये प्लस डी पी, और भैया ये ओ डी किसके इक्वल है, ओ ए प्लस ए डी के, ओ ए प्लस ए डी और डी पी है ये। अब जरा यहां पे बताना, जो ए डी है ए डी वो पैरेलल टू ओ बी होगी कि नहीं होगी, और डी पी जो है वो पैरेलल टू ओ सी होगी कि नहीं होगी। तो देखिए ए डी ओ बी के पैरेलल है, डी पी ओ सी के पैरेलल है, तो हमें क्या करना है यहां पे ए डी की जगह ओ बी रख देना है, डी पी की जगह ओ सी रख देना है। और अब ओ ए, ओ ए क्या हो गया, अरे यूनिट वेक्टर कितना है, देखिए कोई भी जैसे ये है ओ ए है, ये यूनिट वेक्टर है और ये स्केलर कंपोनेंट इसका एक्स है। भैया ये वेक्टर एक्स आई तो होगा, अगर मुझे वेक्टर ओ ए की वैल्यू लेनी है तो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मीन्स उसका जो मॉडुलस है और उसका कंपोनेंट, उस यूनिट वेक्टर को कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वेक्टर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। इसलिए यहां पे क्या हो गया, ये ओ ए की जगह मैंने क्या रख दिया, एक्स आई, वाई ओ बी की जगह क्या रख दिया, वाई इंटू जे, ओ सी की जगह कितना रख दिया, जेड इंटू के। तो हमें ये वेक्टर ओ बी की वैल्यू मिल गई। अब अगर वेक्टर ओ बी का मॉडुलस निकालना है तो सिंपल जो आई जे के कोफिशिएंट हैं उनके स्क्वायर का अंडर रूट ले लीजिए तो आपको उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो बच्चों 2D और 3D फिगर में आपको पता चल गया जो हमारे वेक्टर और स्केलर कंपोनेंट है। यहां पे बच्चों देखिएगा एक्स वाई जेड आर स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर आर या वेक्टर ओ पी एंड एक्स आई वाई जे एंड जेड के आर कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है साहब, करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिए कुछ कॉन्सेप्ट और देखो इसके। यस, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं। टू वेक्टर आर ऑलवेज कोलिनियर, दो वेक्टर जो है वो हमेशा कोलिनियर होंगे। सॉरी टू पॉइंट आर ऑलवेज कोलिनियर, मान लीजिए एक पॉइंट हियर एक हियर। अब ये पॉइंट कैसे ही हो अगर आप इनको ज्वाइन करोगे तो ये एक लाइन में आएंगे ही आएंगे। ये देखो, अब कोई कह रहा है कि एक पॉइंट और एक ही लूंगा मैं, तो भी भाई कैसे कर आएंगे तो एक ही लाइन में। तो टू पॉइंट आर ऑलवेज कोलिनियर, थ्री पॉइंट आर ऑलवेज कोप्लानर, जो तीन पॉइंट है वो हमेशा कोप्लानर होंगे। नेक्स्ट, टू फ्री वेक्टर आर कोप्लानर, जो दो फ्री वेक्टर हैं वो स्पेस में होंगे, मान लीजिए हवा में घूम रहे हैं तो वो कोप्लानर होंगे। थ्री वेक्टर मे और मे नॉट बी कोलिनियर, तीन वेक्टर जो हैं वो कोलिनियर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सिंपल, उनकी लाइन ऑफ सपोर्ट सेम और पैरेलल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, अब कुछ और आइए आगे। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, इस सेंटेंस का मतलब समझो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। बच्चों आपके पास मान लीजिए कई सारे वेक्टर हैं, ए बी सी डी एफ एक्सेट्रा। अब आपने कुछ स्केलर फाइंड आउट कर लिए, एक्स वाई जेड डैश डैश डैश, सच दैट ए को एक्स से मल्टीप्लाई करा, बी को वाई से मल्टीप्लाई करा, वेक्टर बी को, वेक्टर सी को जेड से मल्टीप्लाई करा, आगे डैश डैश इसलिए ले लिया, आगे के वेक्टर छोड़ दिया हमने। और अगर इन वेक्टर्स को किसी एक वेक्टर के रूप में ऐसे लिख दिया जाए, यानी कि वेक्टर आर इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस ए सी डैश डैश डैश, देन दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर। यानी कि हमने वेक्टर आर को बाकी दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया है।
बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है किसी एक वेक्टर को बाकी दूसरे वेक्टर के स्केलर से मल्टीप्लाई करके अगर उनको सम के रूप में हम लिख दें तो दैट आर कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट टर्म है लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट, अब आप बच्चों बताना मुझे डिपेंडेंट का मतलब क्या होता, एक दूसरे पर जो डिपेंड कर रहा। सेम फिर वही, हमने वेक्टर एबीसी लिए, कुछ स्केलर ले लिए हमने एक्स वाई जेड, ठीक। अब उनको अगर हम मल्टीप्लाई करके एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, इन सबका सम अगर जीरो आ जाए, इनका सम सबका अगर जीरो आ जाए, ये ध्यान रखने की बात है कि जो एक्स वाई जेड आपने यहाँ पे स्केलर लिए हैं सारे जीरो नहीं होने चाहिए, कुछ तो जीरो हो सकते हैं लेकिन सारे जीरो नहीं होने चाहिए। तो हम क्या कहेंगे इस कॉम्बिनेशन को कि दे फॉलो या दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट इसी में लीनियरली डिपेंडेंट मीन्स को प्लानर वेक्टर, यानी कि लीनियर डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या है को प्लानर। अब देखिए मैंने कहा था डिपेंडेंट लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे तो एक दूसरे पर डिपेंड कब करेंगे, जब वो एक ही प्लेन में होंगे भाई। अगर वो एक साथ होंगे तभी तो एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ एक कहीं तो वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, यानी कि एक ही प्लेन में होना उनके लिए बहुत जरूरी है। बात यहाँ बच्चों क्लियर है, नोट करिए इसके आगे का बता रहा हूं मैं आपको। चलिए बच्चों देखें, हमें अगर ये प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मान लीजिए ये जैसे ए बी सी बहुत सारे वेक्टर हमने लिए, इनकी जगह हम केवल दो वेक्टर ले लें, लेट ए एंड बी टू कोलिनियर वेक्टर, देन वेक्टर बी इक्वल टू एक्स इनटू वेक्टर ए और सम स्केलर एक्स और सम स्केलर एक्स। बात कुछ समझ में आ रही है आपको क्या, वेक्टर बी इज इक्वल टू एक्स इनटू वेक्टर ए और सम स्केलर एक्स, ठीक। क्यों, अगर ए और बी कोलिनियर वेक्टर हैं तो कोई एक वेक्टर एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर वेक्टर लिख सकते हैं। एक्स क्या है यहाँ पे स्केलर, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम एक्स ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स ए प्लस माइनस वन बी इक्वल टू जीरो, यानी कि स्केलर हमारे यहाँ एक्स और माइनस वन हुए या नहीं हुए। तो हमने ये तो कहा था इसमें ये जो हमारे स्केलर है एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं होने चाहिए, मेरे एक आध इसमें जीरो हो सकता था, तो क्या हो गया लीनियरली डिपेंडेंट हुए कि नहीं हुए। तो क्या था, ए सेट ऑफ वेक्टर ए बी सी इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट इफ वी डिफाइन, सॉरी इफ वी फाइंड सम स्केलर एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू जीरो। बच्चों ये बात आपको क्लियर समझ में आई या नहीं आई, तो देखिए अब इसके बाद इसे नोट करो जल्दी से। ये बात बच्चों बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई ना आपको लीनियरली डिपेंडेंट की, जल्दी बोलो। इसका मैंने वो दिखाया भी था, इसका मेनली क्या था, ये हेडिंग था ये टू कोलिनियर वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट, कि दो कोलिनियर वेक्टर जो है वो ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब समझ रहे हो, यानी कि एक कोई वेक्टर दूसरे लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा होगा, तो वही हमारा है ए और बी दोनों वेक्टर लिए और वो कोलिनियर है, तो भैया ऑब्वियस है बी इज इक्वल टू एक्स ए, एक्स ले लो या लेमडा ए ले लो, तो ये वेक्टर बी जो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए लिखा हुआ आया नहीं, और इवन हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो ये आपका ये चीज आ गई। तो लीनियरली डिपेंडेंट, जल्दी बोलो, कोलिनियर मीन्स लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए दूसरा पॉइंट, यस टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, दो कंडीशन थी, एक थी लीनियरली डिपेंडेंट और दूसरी है लीनियरली इंडिपेंडेंट। टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, क्लियर, क्या होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट।
तो चलिए इफ पॉसिबल दैट ए एंड बी आर लीनियरली डिपेंडेंट, हम मान लेते हैं उल्टा कर लो, ये कह रहा है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करो, हम कह रहे हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमने दो स्केलर एक्स और वाई ले लिए जो दोनों में से कोई जीरो नहीं है, नॉट बोथ जीरो मतलब दोनों जीरो नहीं है, सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो। भाई अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो ऐसे ही तो लिखेंगे, इससे पहले लिखा अभी हमने, यहां से हम मान लिया मैंने कि एक्स जीरो नहीं है तो एक्स ए इक्वल टू माइनस वाई बी, यहां से वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स इंटू बी माइनस वाई ओवर एक्स को मैंने लैम्डा लिख दिया तो ए इक्वल टू लैम्डा बी। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो ए है वो स्केलर मल्टीपल ऑफ बी है और इसलिए ए और बी कोलिनियर हो गए कि नहीं हो गए, जल्दी बोलो ए और बी कैसे हो गए कोलिनियर। अब हमारा जो एजम्पशन है इसका मतलब वो रॉन्ग हो गया, क्यों भाई? नॉन कोलिनियर वेक्टर हमें लेने थे, अब हमने क्या करा कि ए और बी जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। अब अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो साफ सी बात है वो कोलिनियर आ गए, जल्दी बोलो भाई यहां पे ए एंड बी जो है वो कैसे हो गए कोलिनियर, हुए या नहीं हुए? तो भैया कोलिनियर अगर वो हैं तो आप खुद अपने आप आइडिया से मुझे बताइए कि यहां तो उसने नॉन कोलिनियर बोला था और यहां कैसे आ गए वो कोलिनियर आ गए, तो जो हमने माना था उसके हिसाब से क्या आया कोलिनियर। हमने जो माना था कि ये ए और बी लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो उससे क्या कंडीशन आ गई कि वो कोलिनियर है, और कोलिनियर होने नहीं है तो कोलिनियर नहीं होने हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, तो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है तो क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई? इस ढंग से आप इसको क्या कर सकते हो प्रूव कर सकते हो, ठीक है करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, यस द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर द थ्री पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर ए बी सी टू बी कोलिनियर इज दैट देयर एग्जिस्ट सम स्केलर एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू जीरो वेयर एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। अब आप कहोगे कि ये क्या है, क्या पढ़ा दिया आपने, इसमें तो एक भी अक्षर समझ में नहीं आया। इसका ये कहना है कि तीन पॉइंट अगर ए बी सी कोलिनियर हैं, अगर तीन पॉइंट ए बी सी कोलिनियर हैं, तो हम तीन स्केलर अपनी तरफ से ले लें एक्स वाई जेड जो तीनों जीरो नहीं होने चाहिए और उनको वेक्टर ए बी सी से मल्टीप्लाई करके उनका सम जीरो अगर आ जाता है, जहां पर जो तीनों स्केलर लिए थे वो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो अगर आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारे तीनों वेक्टर ए बी सी यानी कि तीनों पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है, पहला वेक्टर। दूसरा सिंपल भाई, तीन वेक्टर थे ए बी सी, ए बी और ए सी निकाल लो या ए बी ए सी या ए बी और बी सी निकाल लो, और अगर उनमें से कोई एक वेक्टर जैसे ए बी इक्वल टू एम लैम्डा ए सी आ जाता है, एम ए बी इक्वल टू एम लैम्डा ए सी अगर आ जाता है तो हम कहेंगे कि यस दो वेक्टर हमारे कोलिनियर हैं। भाई आप खुद बताइए मुझे, अगर हमारे दो वेक्टर कोलिनियर हैं ए और बी, तो अभी हमने लिखा था कि एक वेक्टर को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर वेक्टर हम लिख सकते हैं, अगर वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए आ जाए तो हम क्या कहेंगे ए और बी कोलिनियर है या ए और बी पैरेलल है, कुछ भी कह सकते हैं, क्लियर? तो ये आपका दूसरा जो है ये इजी मेथड हो गया। अगर पहला मेथड आप अप्लाई नहीं करना चाहते तो ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। इस पे बच्चों एक एग्जाम्पल देखो सिंपल, तभी पता चलेगा। सो देट द पॉइंट, ये पॉइंट दिए तीन आर कोलिनियर, तो मैंने पहला पॉइंट ए मान लिया, दूसरा बी मान लिया, तीसरा सी मान लिया और ओ ओरिजिन ले लिया। तो भैया वेक्टर ओ ए अगर मैं इसे वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा पॉइंट ए को तो टू आई माइनस जे प्लस थ्री के, ऐसे वेक्टर ओ बी थ्री आई माइनस फाइव जे प्लस के, वेक्टर ओ सी माइनस आई
प्लस 11 जे प्लस 9 है। ठीक, अब उसके बाद वेक्टर ए बी निकाल लो। वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी ये दिया था, ओ ए दिया था, सब्ट्रैक्ट कर लो क्या आ जाएगा, आई माइनस 4 जे माइनस 2 के। ऐसे वेक्टर ए सी निकाल लो, चाहो तो बी सी भी निकाल लेना, मर्जी है। ए सी निकाला, ओ सी माइनस ओ ए, अब ओ सी में से ओ ए निकाल दिया तो ये क्या आया था, माइनस 3 आई माइनस 12 जे प्लस 6 के। इसमें माइनस 3 कॉमन ले लिया, अगर मैं माइनस 3 कॉमन लूंगा इसमें से, देख लो बच्चों एक सेकेंड, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है तो मैं चेक कर लूं। टू आई माइनस जे प्लस 3 के, 12 जे प्लस 3 के, बच्चों एक प्लस है, ये प्लस है तो माइनस 3 कॉमन लूंगा तो आई माइनस 4 जे माइनस 2 के आ गया। और बच्चों ये जो वेक्टर है ये वेक्टर ए बी के इक्वल है या नहीं है, भैया वेक्टर ए सी इक्वल टू माइनस 3 ए बी आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। तो हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर ए सी इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए बी, बोलो वेक्टर ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, वेक्टर लैम्डा वेक्टर ए बी। देखे इसे जल्दी से, देखो बच्चों अब यहां से ए सी इक्वल टू लैम्डा ए बी आ गया था ना, तो लैम्डा की वैल्यू माइनस 3 थी, तो साफ सी बात है क्या कह सकते हैं, द वेक्टर ए बी एंड ए सी आर कोलिनियर, वेक्टर ए बी एंड ए सी क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। ए बी एंड ए सी हैव द सेम और पैरेलल सपोर्ट, अब अगर ये कोलिनियर है तो जरा ध्यान से देखो, या तो ये होगा ए बी सी, ए बी एंड ए सी है ये मान लो, ये ए बी हो गया और ये ए सी हो गया। अब ए बी ऐसे हो सकता है या तो एक तरीका, और एक तरीका ये ए बी ठीक, या ए सी, यानी कि या तो इनकी जो लाइन ऑफ सपोर्ट है या तो एक होगी या पैरेलल होगी, या तो सेम होगी या पैरेलल होगी। अब आप यहां देखिए क्या कह रहा है वो, बट ए बी एंड ए सी है आर को इनिशियल पॉइंट, यानी कि ए बी और ए सी में ए जो है वो कॉमन पॉइंट है दोनों का, तो इसका मतलब उनकी सपोर्ट जो है वो पैरेलल नहीं होगी, उनकी जो लाइन ऑफ सपोर्ट है वो कैसी होगी, सेम होगी। क्लियर है, इसलिए ए बी सी आर कोलिनियर। अब अगर आप इतनी बात नहीं लिखना चाहते हो तो यहां पे आप कह सकते हो कि ए बी एंड ए सी आर कोलिनियर, सो पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। ये भाई जब हमने कोलिनियर पढ़ा था, कोलिनियर की डेफिनेशन पहली वीडियो में जाएंगे, तो क्या पढ़ा था हमने, जो पॉइंट है वो कोलिनियर कब होंगे, जब उनकी लाइन ऑफ सपोर्ट या तो सेम हो या पैरेलल हो। अब ये लाइन ऑफ सपोर्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा क्वेश्चन है, तो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। ये बच्चों मैं हटा रहा हूं यहां से, एक मिनट इसे हटा के बता रहा हूं, इसका स्क्रीन शॉट लीजिए। अब ये देखो, ये ए ये बी ये सी और ये डी, ये हमने अलग अलग कर लिए थे ये, और ये हमारा ए बी आ गया था और ये हमारा सी डी आ गया। ये बच्चों जो ए बी और सी डी की जो लाइन ऑफ सपोर्ट है वो सेम है या नहीं है, भाई यही तो है, ये लाइन ऑफ सपोर्ट यही तो है जो इसको रोके हुए हैं, तो एक ही लाइन में से तो कटे ना दोनों ए बी और सी डी, एक ही लाइन में से कटे। अब ये कैसे पता चला, अरे इसलिए पता चला, आप खुद देखिए यहाँ पे ए बी और ये सी डी है दिखाई दे रहा, अब यहीं पे इसकी जगह पर ऐसा हो जाए जैसे ए बी और ये ए सी, अब आप कहोगे चलो पॉइंट को छोड़ो, आप ये देख लो ये ए बी ये लेंथ हो गई और ए सी ये लेंथ हो गई पूरी, तो दोनों की दोनों सेम है नहीं है, भाई लेंथ अलग अलग हो सकती है, लेंथ लाइन ऑफ सपोर्ट जो है वो अलग अलग हो सकती है, मतलब उसकी लेंथ अलग अलग हो सकती है, लेकिन है तो सेम यहां पे, एक होती पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या है, जैसे ये ए बी और ऐसे ही आपने एक ये ले रखी सी डी, तो ये जो
ए बी की जो लेंथ है वो ये आई, सी डी की आपकी ई आई, तो ये लाइन ऑफ सपोर्ट हुई ना, तो ये पैरेलल है या नहीं है, या तो ये पैरेलल हो या कोली सेम हो, तो उन कंडीशंस में आपका जो मतलब वेक्टर है वो कोलिनियर है। ठीक है, करिएगा नोटिस। चलो बच्चों देखो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर, ए एंड बी क्या है दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, देन एवरी वेक्टर आर कैन बी सॉरी देन एवरी वेक्टर आर कोप्लानर विद ए एंड बी, अगर कोई वेक्टर आर ए और बी के कोप्लानर है देन इट कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज वेक्टर आर इक्वल टू एल्फा वेक्टर ए प्लस बीटा वेक्टर बी वेयर एल्फा बीटा आर स्केलर। इस बात को समझने की कोशिश करो क्या है, यहां एक ढंग से तीन वेक्टर है आर वेक्टर ए वेक्टर बी, अगर ये तीनों कोप्लानर हैं तो कोई एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में अगर लिख दें या होता है तो ये तीनों वेक्टर आपके कोप्लानर होंगे। क्लियर है, अब आइए लेट ओ ए इक्वल टू ए, ये जो आपका पूरा ओ ए है ये वेक्टर मैंने ए से रिप्रेजेंट करा है, ओ बी इक्वल टू वेक्टर बी और वेक्टर ओ पी को मैंने किससे रिप्रेजेंट करा है आर। ठीक, अब वी आर गिवेन ओ ए ओ बी ओ पी आर कोप्लानर, ये हमें उसने कहा है कि ये तीनों कोप्लानर एक ही प्लेन में है, तो भैया अगर एक ही प्लेन में है तो वेक्टर ओ पी को वेक्टर ओ बी को मैं कैसे लिख सकता हूं, ओ ए डैश प्लस ओ बी डैश, देखो ये भाई ओ ए डैश, आप ये देखिए वेक्टर ओ पी ओ ए डैश प्लस ए डैश पी होगा कि नहीं, अब ओ ए डैश और ए डैश पी ओ बी डैश के पैरेलल है तो मैं ए डैश पी की जगह पर ए डैश पी इज इक्वल टू ओ बी डैश लिख सकता हूं कि नहीं, तो वेक्टर ओ बी इक्वल टू ओ ए डैश प्लस ओ बी, जल्दी बोलो बच्चों। अब और देखिए अगर यहां पर ओ ए एंड ओ ए डैश कोलिनियर हैं एक लाइन में हैं, जल्दी बोलो, तो क्या मैं ओ ए डैश को एल्फा इंटू ओ ए लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, अगर कोई दो वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल है तो किसी एक वेक्टर को स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर लिख सकते हैं हम, वही मैंने करा है, ओ ए डैश को मैंने एल्फा इंटू ओ ए लिख दिया क्योंकि ओ ए डैश एंड ओ ए कोलिनियर है, और ओ बी डैश को बीटा इंटू ओ बी लिख दिया, अब ओ ए कितना है ए ओ बी कितना है बी, तो आर इक्वल टू एल्फा ए प्लस बीटा बी क्या है लिखा है, तो थ्री वेक्टर आर कोप्लानर इफ वन ऑफ देम इज एक्सप्रेसिबल एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर, हमें ये तो बताना था, इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर देन एवरी वेक्टर आर कोप्लानर विद ए बी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज वेक्टर आर इक्वल टू एल्फा ए प्लस बीटा बी वेयर एल्फा बीटा आर स्केलर। फिर बच्चों सारी बातों का मतलब समझ लो बहुत नटेन सेल में, क्या अगर आपको बहुत सारे वेक्टर दिए हुए हैं और वो कोप्लानर हैं तो साफ सी बात है कोई एक वेक्टर अगर बाकी सारे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा हुआ है तो हम कहेंगे कि यस ये सारे के सारे वेक्टर हमारे क्या है कोप्लानर। नोट करिए, इसका एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, देखिए बच्चों ये प्रॉब्लम है सिंपल, प्रूव दैट द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के टू आई प्लस थ्री जे माइनस के माइनस आई माइनस टू जे प्लस टू के आर कोप्लानर, ये वेक्टर हमारे कोप्लानर है ऐसा हमें प्रूव करना है, बहुत सिंपल, क्या पहले वेक्टर को ये ले लो दूसरे को बी ले लो तीसरे को आर ले लो, इवन मर्जी है बच्चों आपकी आर भी ले सकते हो और सी भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं आर ही लेना है, तो अगर तीनों वेक्टर को प्लानर है तो
तो कोई एक वेक्टर एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर टू वेक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वही मैंने करा। वेक्टर आर इक्वल टू एल्फा ए प्लस बीटा बी, आर की वैल्यू रख दी, ए बी की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे आई कॉमन लिया, जे कॉमन लिया, के कॉमन लिया और इस लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर कर दिया। एल्फा प्लस टू बीटा माइनस वन, इक्वेशन वन लिख दी। एल्फा प्लस थ्री बीटा, दोनों में जे के कोफिशियंट, इधर माइनस टू, इक्वेशन टू। एल्फा माइनस बीटा, के का कोफिशियंट इधर टू, इक्वल टू टू, इक्वेशन थ्री। अब बच्चों तीन इक्वेशन आई अल्फा बीटा में, बहुत सिंपल है, कोई से भी दो इक्वेशन को सॉल्व करिए और जो अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी अगर वो तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाती है तो हम कहेंगे कि हमारे तीनों पे ही कोप्लानर है, और अगर अल्फा बीटा की वैल्यू तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती तो हम कहेंगे कि वो कोप्लानर नहीं है। बात क्लियर हुई या नहीं? तो मैंने वही करा, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करा, सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू वन आई, बीटा की वैल्यू माइनस वन आई। इसको सॉल्व करा था मैंने फर्स्ट और थर्ड को, ठीक। अब उसके बाद फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करने के बाद देखिए ये जो अल्फा बीटा आया है ये सेकंड एक्सरसाइज को सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलिए सेकंड में रखिए, अल्फा की जगह वन, बीटा की जगह माइनस वन, तो वन माइनस थ्री यानी कि माइनस टू। क्या भैया इक्वेशन टू को सेटिस्फाई करा? यस। तो हम क्या कहेंगे, ये तीनों वेक्टर आपके कोप्लानर, सिंपल। इसी के बाद बच्चों जब हम वेक्टर के ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे ना तो वहां कोप्लानर की एक कंडीशन और आएगी, वो इससे भी इजी, वो इससे भी इजी। तो सिंपली यहाँ पे ए बी आर ले लो या तीसरे वेक्टर को सी ले लो। यहां क्या करते हैं, वेक्टर सी इक्वल टू अल्फा ए प्लस बीटा बी, करिएगा नोट इसे और देखिए। देखिए बच्चों एक एग्जांपल और, यस, इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लानर प्रूव दैट टू ए माइनस बी प्लस थ्री सी, ए प्लस बी माइनस टू सी एंड ए प्लस बी माइनस थ्री सी आर ऑल्सो नॉन कोप्लानर। आप समझ में आई? यानी कि अगर ए बी सी कोप्लानर नहीं है तो ये वेक्टर भी कोप्लानर नहीं होंगे, ऐसा हमें प्रूव करना है। बहुत सिंपल बच्चों, हम मान लेते हैं कि ये तीनों वेक्टर जो हैं 2a माइनस बी प्लस थ्री सी, ए प्लस बी माइनस टू सी, ए प्लस बी माइनस थ्री सी कोप्लानर है। ये बच्चों अंडरस्टूड है, कहीं पे अगर ये वेक्टर का निशान नहीं लगा हुआ तो ये मान लेंगे आपकी है, ये किसी भूल बस रह जाता। तो अगर ये तीनों कोप्लानर हैं तो कोई एक वेक्टर फिर वही एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर वेक्टर होना चाहिए। तो मैंने थर्ड वेक्टर इक्वल टू एक्स इंटू फर्स्ट वेक्टर बाई इंटू सेकेंड वेक्टर लिख दिया। यहाँ आप एक्स वाई की जगह अल्फा बीटा भी ले सकते हैं, वो आपकी च्वाइस, क्लियर है। अब फिर वही मैंने किया, यहाँ पे ए बी सी कॉमन लेके ये टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई थ्री एक्स माइनस टू वाई। अरे एक्स को पूरे में अंदर मल्टीप्लाई करो, वाई को पूरे में मल्टीप्लाई करो और फिर वेक्टर ए बी सी कॉमन ले लो। अब कंपेयर कर दीजिए दोनों तरफ, टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, माइनस एक्स प्लस वाई ऑल्सो वन, थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस थ्री। सिंपल, कोई से भी दो इक्वेशन सॉल्व करिए और एक्स वाई की वैल्यू तीसरे को सेटिस्फाई करनी चाहिए अगर वो कोप्लानर है। तो मैंने क्या करा, पहली और दूसरी को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू जीरो आई और वाई की वैल्यू वन आई, ठीक। अब इन दोनों को मैंने तीसरी एक्सरसाइज में, तीसरी इक्वेशन में रखा तो वहां एक्स की जगह जीरो, वाई की जगह वन रखा तो ये वैल्यू आ गई सॉल्व करके माइनस टू, और आनी क्या चाहिए थी बच्चों, माइनस थ्री आनी चाहिए थी। जल्दी बोलो, आई क्या है, माइनस टू, आनी क्या चाहिए थी, माइनस थ्री। तो हम क्या कहेंगे, इसका मतलब ये हमारे जो वेक्टर हमने लिए हैं ये कैसे हैं, ये कोप्लानर नहीं है, यानी कि ये नॉन कोप्लानर है, क्लियर है। एक एग्जांपल बच्चों, तीन पॉइंट की वजह चार पॉइंट का ले लेते हैं और मैं समझता हूं ये बात हमारी क्लियर हो जाएगी, नोट करिए। देखिए बच्चों नेक्स्ट, ये मैंने चार पॉइंट के लिए एक एग्जाम्पल ले लिया, इसको देखिए क्या है। सो दैट द वेक्टर टू आई प्लस थ्री जे माइनस के, आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, थ्री आई प्लस फोर जे माइनस टू के एंड आई माइनस सिक्स जे प्लस सिक्स के आर कोप्लानर, ठीक। यानी कि चार पॉइंट है ये, मैंने लेट ए ओ को ओरिजिन ले लिया और इन चारों वेक्टर्स को ए बी सी डी से डिनोट कर दिया। तो यहां से ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी ये आ गए,
अब बच्चों भी तक तीन पॉइंट थे, तो हमने तीन पॉइंट को क्या करते थे, एक पॉइंट को बाकी दो पॉइंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख लेते। अगर चार पॉइंट है तो चार पॉइंट को भी तो तीन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम भाई। हमारे पास चार पॉइंट ए बी सी डी है, तो मैं क्या में कर सकता हूं, ए बी ए सी ए डी, ए बी ए डी ए बी ए सी ए डी। अब थोड़ी देर के लिए इसको मैं वेक्टर ए मान लू, इसको वेक्टर बी मान लू, इसको वेक्टर सी मान लू, तो तीन पॉइंट बन गए कि नहीं बन गए चार के। तो यानी कि अगर मैं कहूं कि चार पॉइंट दिए हुए हैं, देखो ऐसे अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। अब ये जो चार पॉइंट थे इनको तीन पॉइंट में कैसे कन्वर्ट कर लिया मैंने भाई, ए बी सी डी को ए बी ए सी ए डी ले सकता हूं और इनको एक अनेदर वेक्टर ए बी सी ले लिया मैंने। तो भैया क्या है, नाउ ए बी सी डी आर कोप्लानर, ए बी ए बी ए सी एंड ए डी आर कोप्लानर। और अगर ये कोप्लानर है तो कोई सा एक वेक्टर एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अनेदर होना चाहिए। तो वही करा मैंने, ए बी इक्वल टू एक्स इंटू ए सी प्लस वाई इंटू ए डी। तो एक्स दिस, अब आई जे के कोफिशियंट कॉमन करके कंपेयर करा, तीन इक्वेशन आई। पहली दो इक्वेशन मैंने सोल्व करी, सोल्व करके एक्स की वैल्यू माइनस हाफ, वाई की वैल्यू हाफ, उनको मैंने तीसरी इक्वेशन में रख दिया और तीसरी इक्वेशन में रख के मेरा आंसर करेक्ट आ गया, यानी कि एक्स और वाई तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी ए सी ए डी तीनों वेक्टर कोप्लानर है, और अगर ए बी ए सी ए डी कोप्लानर है तो इसका मतलब हमारे चारों पॉइंट ए बी सी भी कोप्लानर। क्लियर है, करना बच्चों नोट जल्दी से। एक चीज और बताता हूं, स्क्रीन शॉट लो इसका जल्दी से, मैं हटा रहा हूं। अब जैसे तुम यहां पे देखो, आप लोग हमने लिया ए बी सी डी चार पॉइंट है, इनको हम तीन में नहीं कन्वर्ट कर सकते क्या? अब इसको वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी ले लो, यहीं पे चार पांच पॉइंट होते ए बी सी डी ई, तो कैसे करते, ए बी ए सी ए डी ए, चार पॉइंट आ गए। बोलो जल्दी से, इसको ए बी इसको सी और इसको डी मान लेंगे, मान लेंगे। अब अगेन इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसको तीन पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कह में कर सकते, बल्कि ये मत लो, थोड़ी देर के लिए ऐसे ले लो, ये वेक्टर पी, ये वेक्टर क्यू, ये वेक्टर आर और ये वेक्टर एस। भाई इन पांच पॉइंट से चार में कन्वर्ट करा, ये नाम ले दिए। अब इन चार को कैसे करूंगा मैं, देखिए पी क्यू पी आर और पी एस। तो अगर पी क्यू पी आर पी एस को प्लानर है तो ए बी ए सी ए डी ए को प्लानर होंगे, यानी कि ए बी सी डी ई को प्लानर है। तो हमें तीन पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना है, चार है तो कर लेंगे, पांच है तो कर लेंगे, पांच होंगे तो उनको अलहदा नाम दे के फिर आप उनको कन्वर्ट कर लीजिए, इवन छह हो सात हो कोई अंतर नहीं पड़ता, बट आपके यहां जाते जाते मैक्सिमम चार पॉइंट के लिए पूछा जाएगा, उससे ऊपर नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी, करिएगा नोटिस है। चलिए बच्चों देखिए, ये आज के लिए लास्ट है आपका, क्या है, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइनों के बीच एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन हमें बतानी है, ठीक, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। तो आइए, लेट टू लाइन पासे थ्रू द पॉइंट ए, एक लाइन है ए एन और एक लाइन है ए एम, ठीक, ये दोनों पॉइंट ए से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, ठीक है सर, एंड बी पैरेलल टू द वेक्टर बी एंड सी। और ये जो दोनों लाइनें हैं ए एल और ए एम, ये वेक्टर बी और वेक्टर सी के पैरेलल, ऐसे मान लो ये आपका जो है वेक्टर बी है, ये जैसे ही मान लो ये हो गया वेक्टर बी थोड़ी देर के लिए, और ये वेक्टर सी, ये जो लाइन है तुम्हारी ए एल ये वेक्टर बी के पैरेलल है और ए एम लाइन जो है वेक्टर सी के पैरेलल, ठीक। अब वेक्टर ये यूनिट वेक्टर बी, बी के ऊपर यूनिट वेक्टर और सी के, आर द यूनिट वेक्टर अलोंग बी एंड सी, ये जो बी कैप सी कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग द वेक्टर बी एंड सी के,
इफ आर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, अगर मैं आर जो है पी का पोजिशन वेक्टर ले लूं, ये भैया इसका मतलब क्या हो गया, ओ पी इज इक्वल टू आर विद रेस्पेक्ट टू ओ, तो लेंगे आर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी ऑन द इंटरनल वाई सेक्टर, यानी कि ये जो ए पी है इसके इंटरनल वाई सेक्टर हो गया। भाई दो ही तरीके के तो वाई सेक्टर होते हैं बच्चों, देखो किसी भी लाइन में ये देखिए इस एंगल है, ये इंटरनल वाई सेक्टर हो गया, और इन लाइन को हम ऐसे बढ़ा देंगे ये एक्सटर्नल वाई सेक्टर हो गया, इन दोनों लाइनों के बीच ये इंटरनल, और एक लाइन ये है जो इधर आ गई थी, ये लाइन इधर है, तो इसके और इसके बीच में दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल। ठीक, दो तरीके के बाई सेक्टर हमारे होते हैं, समझ लो इसको ढंग से। अब आ जाइए R इज इक्वल टू, यानी कि R का मतलब हो गया OP, बोलो OP किसके ऊपर होगा, OA इंटू AP के होगा कि नहीं होगा, अरे मुझे OP चाहिए ये, तो OP किसके ऊपर हो गया, OA प्लस AP के होगा कि नहीं होगा, आर मैंने पोजिशन वेक्टर ऑफ पी लिया ना, तो आर मीन्स ओपी, ओपी किसके इक्वल हो गया, ओ ए प्लस ए पी, यानी कि ओ ए प्लस ए पी, अब ये आ गया ओ ए, अब ए पी क्या है जी, ये ए पी किसके इक्वल है, ए पी है ए एन प्लस एन पी के, ए एन प्लस एन पी, जो ए पी है वो किसके इक्वल है, ए एन प्लस एन पी के। ठीक, अब बच्चों यहां पे आइए, चूंकि एंगल बाई सेक्टर है पी, तो पी से अगर इन दोनों लाइनों पे मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये सेम होगा कि नहीं होगा, यानी कि दोनों लाइन सेम हो गई, तो कहने का मतलब ये है कि ये और ये बराबर होती और ये बराबर होती होती कि नहीं, तो इसका मतलब मैं जब ए पी निकालूंगा तो ए एन प्लस एन पी, यानी कि ए एन प्लस एन पी का मतलब हो गया ए एन प्लस ए एन, यहां एन पी की जगह मैं क्या रख सकता हूं, ओ ए एन, ए एन तो ये हो ही गया, और एन पी की जगह ए एम लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, इस एन पी की जगह एन पी मीन्स ए एम, अब देखिए ओ ए तो है, अब ए एन कितना हो गया हमारा, ये ए एन, ए एन, ए एन जो है वेक्टर बी के पैरेलल है, है? अब ए एन मैंने मान लीजिए ये टी लेंथ मानी, तो ये भी टी होगी कि नहीं होगी, अरे जैसे हम एक्स और वाई लेते हैं, तो मैंने अब एक्स और वाई अलग अलग ना लेके टी ले लिया, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम होगी, एंगल बाई सेक्टर है भाई, ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये और ये दोनों सेम होंगे, तो टी ए एन कितना हो गया, ए एन बी के अलोंग यूनिट वेक्टर इनटू उसका मैग्नीट्यूड टी, और भैया एन पी यानी कि ए एन कितना होगा, जल्दी बोलो, सी के अलोंग है ये, तो वेक्टर सी यूनिट वेक्टर सी इनटू उसका मैग्नीट्यूड टी, अब इसमें मैंने टी बाहर ले लिया, तो यूनिट वेक्टर बी प्लस यूनिट वेक्टर सी, तो ये हमें आर यानी कि इंटरनल एंगल वाई सेक्टर की इक्वेशन मिल गई। अब अगर मुझे एक्सटर्नल की चाहिए तो आर इक्वल टू ए प्लस टी सी माइनस बी हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, अब आप देखिए इसको ऐसे लेंगे और इसको ऐसे, तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर ये तो हुआ, तो भैया एक्सटर्नल बाइसेक्टर के लिए आप ये मुझे बताइए, एक तो आपकी ये इक्वेशन हो गई और एक ये हो गई, ठीक, तो उस केस में अगर मैंने ये सी लिया था और ये मैंने बी लिया था, तो ये सी तो हमारा ऑलरेडी ये है, इसे छोड़ दो, और ये मैंने इधर ले लिया, तो ये माइनस बी यूनिट वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये सी और ये बी इसकी डायरेक्शन इधर कर दी, तो सी माइनस बी होगा कि नहीं, अब जैसे बी प्लस सी लिया था तो अब सी माइनस बी होगा, सेम जैसे इधर लिया था ऐसे इधर को लेंगे तो बी की जगह माइनस बी यूज हो जाएगा, तो ये आपकी एक्सटर्नल बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी। आपको जो यहां समझना है स्पेशली यहां पे देखना है, क्या ए एन और एन पी की जगह मैंने कितना ले लिया, ए एन, अब ए एन कितना है, मान लीजिए ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, मैंने टी मान ली, तो मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वेक्टर ए एन आएगा कि नहीं, वेक्टर क्या होता,
यानी कि उसके मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो वेक्टर मिल जाएगा, ऐसे इधर पी इंटू सी कैप मिलेगा मुझे। इस ढंग से बच्चों ये आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर की इक्वेशन हो गई। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए आपका बहुत हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के कॉन्सेप्ट मिलेंगे। इस वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा क्योंकि पूरे वेक्टर में सबसे अगर टिपिकल पोर्शन आप मानते हो तो वही है, यही वीडियो है, इसके अलग बाकी वेक्टर में कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।